मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस गोल को सेट करना है और कैसे म्यूचुअल फंड को वो गोल के साथ लिंक करना है, और आपको लमसम करना है तो लमसम आपको कौन से में करना है, आपको करना है जो नियर बाय गोल हो। अब यहां पे मैं इस रिटायरमेंट के साथ में अपने फंड्स को जोड़ता हूं। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम ज्यादातर म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं ऐसे ही चालू कर देते हैं किसी के सजेशन पे, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है गोल से, आपके लक्ष्य क्या है। तो आज आपको मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल लेके समझाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में मजा आने वाला ये वीडियो के अंदर, कि क्या गोल्स है मेरे, कैसे मैंने गोल सेट किए हैं और कैसे मैं उसको म्यूचुअल फंड के साथ लिंक कर सकता हूं, सो दैट मैं ये जान सकूं कि मेरे वो गोल्स को कितना अचीव हुआ है, कितना टाइम लगेगा वो गोल का जो पैसा है वो मिलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जैसे मैंने भी कर दिया है, बट मेरे गोल्स अभी डिफाइन नहीं है, यानी कि मुझे पता नहीं है कि वो पैसे का मैं क्या करूंगा, किसके साथ वो पैसे को मैं लिंक करूंगा। तो आज आपको जीरो से बताऊंगा मेरा एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरी एज अभी 35 है और मेरे जो नेक्स्ट दो गोल है, सबसे बड़े दो गोल, वो गोल की बात करूंगा। हो सकता है आपके 3-4 गोल हो तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला गोल मेरा है कि जो किड्स है ना, किड्स के दो गोल होते हैं, एक होता है उसका एजुकेशन और दूसरी चीज होती है मैरिज, ये सबके कॉमन ही रहते हैं। तो ये दो गोल तो आपके भी कॉमन ही रहने वाले हैं। इसके साथ तीसरा जो गोल होता है, हो सकता है आपका हो या ना हो, जैसे आपको घर परचेज करना है, होम परचेजिंग है ना, या फिर कार परचेजिंग हो गई अगले 5-10 साल में, तो आपका ऐसा गोल हो सकता है। बट मेरा अभी ऐसा कोई गोल नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। बट मेरा और एक गोल है रिटायरमेंट, जो जो कॉमन रहता है सबका, वो आपका भी रहेगा। तो मैं अभी यहाँ पे आपको दो गोल की बात करूंगा, एक किड्स का एजुकेशन, मैरिज एंड रिटायरमेंट। अब यहाँ पे एजुकेशन के लिए मैं मान के चल रहा हूँ आज के दिन का खर्चा मानना है, आप यहाँ पे जो भी कॉस्ट लिखेंगे ना गोल की, आज के दिन का करना, बाकी सब ऐप अपने आप खुद कर लेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस गोल को सेट करना है और कैसे म्यूचुअल फंड को वो गोल के साथ लिंक करना है, ताकि आपको सारा पिक्चर क्लियर हो सके। तो आप आज के दिन का कॉस्ट गिनिए, मान लीजिए कि आज के दिन में अगर आपका बच्चा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज का एजुकेशन का कॉस्ट टोटल कितना होगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 20 लाख रुपए अभी मैं गिन के चलता हूँ। और मैरिज का कॉस्ट कितना होगा आज के दिन के हिसाब से, अगर आज आपको बच्चे की शादी करनी तो कितना रुपया लगेगा। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ तो मान के चल रहा हूँ कि 12 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें 6-8 लाख रुपए गहने के और बाकी के शादी के। तो इस हिसाब से मेरा जो किड्स का एजुकेशन एंड मैरिज का जो टोटल कॉस्ट हुआ वो 32 लाख रुपए हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट को कैलकुलेट कैसे करें, रिटायरमेंट को ऐसा कैलकुलेट करिए कि मान लीजिए आज के दिन में आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आपको कितने रुपये अगर हर मंथ मिलते रहेंगे तो आपकी लाइफ आसानी से चलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के दिन के हिसाब से अगर मेरा एग्जांपल लेता हूं, आपका हिसाब से अलग हो सकता है, मेरा एग्जांपल के हिसाब से मैं अगर गिन रहा हूं तो 50,000 रुपये अगर मुझे आज के दिन में कोई एवरी मंथ दे दे तो मेरी लाइफ आसानी से चलेगी, मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो 50,000 के हिसाब से अगर हम 6% देख के चलेंगे तो मुझे आज के दिन में चाहिए 1 करोड़ रुपए। अब वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं थोड़ा। देखिए 1 करोड़ का मैं SWP चालू करूंगा, वो SWP 6% में हर साल निकालूंगा। अब 6% कितना होता है 1 करोड़ रुपए का, 6% होता है 6 लाख रुपए। अब वो 6 लाख सालाना हो गया, अगर उसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे हर महीने 50,000 रुपए। ये जो अमाउंट है, ये जो कॉर्पस है उससे आज के दिन के हिसाब से। अब मैं तो आज के दिन के हिसाब से अभी तो रिटायरमेंट नहीं लेने वाला हूं, यानी कि ये पैसा तो मेरे को इकट्ठा करना है। अब ये जो गोल है, ये गोल के लिए मुझे कितने साल लगेंगे, यानी कि कब चाहिए मुझे ये पैसे, कब चाहिए है ना, व्हेन, ये पैसे मेरे को कब चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा, मान लीजिए किड्स एजुकेशन के लिए मेरे पास अभी मान लीजिए 17 साल का टाइम है, और मैरिज के लिए मान लीजिए अभी मेरे पास 20 साल का टाइम है, ठीक है। और रिटायरमेंट के लिए मान लीजिए अभी मेरे पास में टोटल 25 साल है, 25 इयर्स टू रिटायर। तो ये तीन चीज हमको चाहिए, क्या चाहिए, एक कॉस्ट चाहिए आपका हाल के दिन का, क्या कॉस्ट आपका रहेगा ये गोल का, और आपको चाहिए कि कितने साल के बाद आपको ये पैसा चाहिए, ये दो चीज चाहिए। अब इस तरह आता है और एक इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट ऑटोमेटिक ऐप कर लेगी, उसमें जरूरत नहीं। तो अभी का इन्फ्लेशन हम लोग मान के चलते ऑन एन एवरेज
जो चल रहा है इन्फ्लेशन 5% से लेके 6%, हम लोग हायर साइड पकड़ के चलते हैं, 6% इन्फ्लेशन पकड़ के हम लोग सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। अब आपको मैं ऐप में दिखाता हूं कि कैसे ये गोल्स को सेट करना है और कैसे हम इसको म्यूचुअल फंड के साथ लिंक कर सकते। दोस्तों यहां पे मैं फिर से आ रहा हूं एसेट प्लस के एप्लीकेशन के ऊपर में, और यहां पे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो यहां पे क्लियरली दिख रहा है, और यहां पे क्या क्या होल्डिंग है, क्या म्यूचुअल फंड है, सब चीज दिख रही है। अब यहां पे अगर आप नीचे आएंगे तो आपको गोल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहां पे गोल्स सेट करने हैं। कौन से गोल्स सेट करने हैं, जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया, किड्स का एजुकेशन, मैरिज एंड रिटायरमेंट। हो सकता है आपके लिए ज्यादा गोल हो तो आप ज्यादा सेट कर सकते हैं। आपको यहां पे प्लस का सिंबल दबाना है तो आपको कुछ इस हिसाब से पेज दिखता हुआ नजर आएगा। अब मैं यहां पे गोल सेट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, किड्स का गोल है, चाइल्ड का गोल है, चाइल्ड का पहला गोल अभी मैं यहां पे सेट कर रहा हूं कि एजुकेशन, यहां पे मैं एजुकेशन लिखूंगा। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आज के दिन का लिखना है, जो आज के दिन मुझे चाहिए 20 लाख रुपए, ठीक है, तो मैं यहां पे 20 लाख रुपए डाल दूंगा। प्रायोरिटी क्या है, तो ये मेरी प्रायोरिटी हाई है, और एंडेड क्या है, कब आपको ये चाहिए, तो आपने यहां पे लिखा था 20 साल के बाद। अगर आज 2023 का साल चल रहा है तो इसका मतलब आपको 2043 में ये पैसे चाहिए, तो आपको यहां पे 2043 का सिमिलर मंथ का डेट सिलेक्ट कर लेना। अब यहां पे आप देखिए नीचे इन्फ्लेशन, जैसे ही आप ये इन्फ्लेशन डालेंगे तो ये 20 लाख उस साल, उस 2043 में कितने लाख रुपए लगेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पे मैं 6% का इन्फ्लेशन डाल देता हूं। अब ये सारी चीज डालने के बाद, अभी मैं लिंक नहीं कर रहा हूं, आपको दिखाता हूं कि कितने पैसे होते हैं वो। तो आप यहां पे देखेंगे 62 लाख रुपीज होंगे 2043 में, आपको 2043 में आज के दिन के 20 लाख जो है वो वहां पे होंगे 62 लाख, तो आपको 62 लाख रुपीज इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको म्यूचुअल फंड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आपका जो गोल है ना उसको फिर से एडिट कर लीजिए, और यहां पे आपको दिखेगा टैग फंड्स, आप इसको ओपन करिए। अब आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड्स आपके हैं वो सारे फंड्स आपको यहां पे दिखाए जाएंगे। अब यहां पे मान लीजिए मैं 2 फंड्स को ये कर रहा हूं, ऐसे मेरा स्पान 20 साल का है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले जो फंड्स है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए एक स्मॉल कैप सिलेक्ट कर लिया मैंने, और एक इमर्जिंग इक्विटी, 2 फंड्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोग्रेस मेरा 3% हो चुका है, और 19 ईयर्स मेरे लेफ्ट है अभी एजुकेशन में। सिमिलरली मैं एक दूसरा गोल्स यहाँ पे डालता हूँ चाइल्ड्स का, और यहाँ पे मैं डालता हूँ मैरिज। अब मैरिज के लिए आपके पास, आपको कितना पैसा चाहिए, 12 लाख रुपए आज के दिन के हिसाब से, तो आप यहां पे सेट कर लीजिए 12 लाख रुपए। प्रायोरिटी इसकी भी हाई ही रहेगी, और एंड डेट जो है वो आप गिन लीजिए आज से 12 साल, मतलब आपको 2035 में ये पैसे चाहिए, तो आप यहां पे 2035 का सिमिलर टाइप का डेट सिलेक्ट करेंगे। और इन्फ्लेशन आप फिर भी यहां पे सेम इन्फ्लेशन डालेंगे 6%, ठीक है, 6% के हिसाब से अगर आप गिनेंगे तो आपको टोटल 23 लाख रुपए चाहिए 12 साल के बाद में शादी करने के लिए आपके बच्चे की। तो आप फिर यहां पे एडिट करेंगे, और यहां पे फिर आप म्यूचुअल फंड को ऐड करेंगे। अब कौन से म्यूचुअल फंड, 12 साल है तो मैं यहाँ पे ज्यादा रिस्क वाले फंड नहीं चूज करूंगा, मैं यहाँ पे फ्लैक्सी कैप चूज कर लूंगा, मैं यहाँ पे मिड कैप चूज कर लूंगा, 2 फंड चूज करके मॉडिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे भी मेरी 7% जो है प्रोग्रेस हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं तीसरा गोल ऐड करूंगा, और वो गोल होगा मेरा रिटायरमेंट का। तो रिटायरमेंट ऑलरेडी गोल यहाँ पे है, आप यहाँ पे लिख दीजिए रिटायरमेंट, और आपका टारगेट अमाउंट कितना है आज के दिन के हिसाब से, कितना है आज के दिन के हिसाब से, आपका है 1 करोड़, तो आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए डाल दीजिए, और यहाँ पे प्रायोरिटी आप हाई रखिए। एंड डेट आपकी कितनी है, आपको 25 साल के बाद चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से होती है अगर 2023 के बाद 25 साल ऐड करते तो 2048, तो मैं यहाँ पे 2048 के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ डेट सिलेक्ट कर लूंगा। इन्फ्लेशन में यहाँ पे फिर से 6% गिनूंगा, और मैं यहाँ पे क्रिएट करके देखता हूँ कितने पैसे चाहिए। आप देखिए मुझे चाहिए 4.2 करोड़ वो समय पे, तो वो समय पे मुझे जो पैसा मिलेगा पर मंथ वो भी मुझे 2 लाख रुपए मिलेगा। तो आज के दिन के हिसाब से ही सिर्फ हमको पैसा गिनना है 1 लाख रुपए, यानी कि 50,000 मंथली चाहिए, बट वो 50,000 मंथली 25 साल के बाद हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो हम उस हिसाब से यहां पे कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन को भी जोड़ दे रहे, तो ये सारी चीज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज के दिन के हिसाब से आपको कितने पैसे चाहिए वो डाल दीजिए, इन्फ्लेशन डाल दीजिए, ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां पे मैं इस रिटायरमेंट के साथ में अपने फंड्स को जोड़ता हूं, तो मेरे जितने भी हाई कैटेगरी वाले यानी हाई रिस्क वाले फंड्स है ना, मैं इसके साथ जोड़ूंगा, क्योंकि ये 25 साल का लंबा पीरियड है और यहाँ पे एवरेज आउट हो जाएगा सारी चीज। तो यहाँ पे मैं जितने भी बैलेंस मेरे फंड्स बचे हैं वो सारे फंड्स को मैं जोड़ दूंगा और मैं मॉडिफाई कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके 3 गोल चल रहे हैं,
और तीनों गोल में अभी क्या प्रोग्रेस है वो भी दिखाया जा रहा है, कौन से गोल सबको पहले खत्म करने वो भी दिखाया जा रहा है। जैसे ये मैरिज वाला 11 साल बचा है, 7% है, तो मान लीजिए कि आप 2-3 साल के बाद देखेंगे तो आपका प्रोग्रेस मान लीजिए धीरा है और आपको लमसम करना है, तो लमसम आपको कौन से में करना है, आपको करना है जो नियर बाय गोल है, जो सबसे नजदीक वाला गोल है उसको पहले कंप्लीट करना है। तो मुझे अगर यहाँ पे लमसम करने की अपॉर्चुनिटी आती है तो मुझे लमसम करना है तो मैं मैरिज वाले गोल्स में सबसे पहले करूंगा, यानी कि मैरिज के साथ जो भी मेरे म्यूचुअल फंड लिंक है उसके अंदर सबसे पहले लमसम करके इस प्रोग्रेस को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो गोल्स सबसे नजदीक आ रहे हैं। और उसके बाद मैं लूंगा एजुकेशन वाला और बाद में लूंगा रिटायरमेंट वाला, तो इस हिसाब से मेरी SIP भी जो है इसी हिसाब से चलती रहेगी। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी कि किस हिसाब से आपको गोल प्लानिंग करनी चाहिए और गोल प्लानिंग के साथ कैसे म्यूचुअल फंड को आप लिंक कर सकते हैं। और ये सारी चीज आप एसेट प्लस में बहुत आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे गोल बेस्ड प्लानिंग भी है, इसके साथ टॉप म्यूचुअल फंड्स की भी लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई गई है। कोई भी फंड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको टॉप 4 म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो सबसे अच्छे हैं, जहां पे आप इमीडिएटली ब्लाइंड आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर बाहर किसी और जगह पे भी आपने इन्वेस्ट किया है तो आप अपना पोर्टफोलियो को यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ओवरऑल अगर आप गोल बेस्ड प्लानिंग करना चाहते हैं तो एसेट प्लस ऐप को यूज कर सकते हैं, और कुछ डाउट्स है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके वहां पे चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जहां पे हम आपको नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे या आपका खुद का म्यूचुअल फंड अगर चल रहा है तो उसका रिव्यू भी फ्री में करके देंगे। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आपकी गोल बेस्ड प्लानिंग भी मेरे साथ शेयर करना, कैसे आप किस हिसाब से गोल सेट कर रहे हैं, अगर आपने गोल सेट किए हैं तो किस बेसिस पे किए हैं, कितने साल है उसमें बाकी है और किस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड का प्लानिंग उसके अंदर कर रहे हैं। अगर आपको उस पे सहायता चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करिए और चैट बॉक्स में हमसे बात करिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे वाला लाल बटन दबा दीजिए और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।